जलने वाला चलते फिर भी अपन चलते। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोग को ये वीडियो में हमारा बिल्डिंग है ना उसके साइड में आजू बाजू क्या क्या हो चुका है आप लोग को सब बताने वाला हूँ। एंड आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखना, तब आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब कि आई एम इन गाइस। सो एंड तक वीडियो देखेंगे तो आप लोग को सब पता चलेगा क्या क्या होगा। सो गाइस बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। अभी भी फिलहाल पता नहीं है बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी। आई थिंक ये बारिश 3 डेज तक पक्का चलेगी। अगर कंटिन्यू 3 डेज तक चली पक्का बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बाढ़ आ सकता है। क्योंकि फर्स्ट पहली बात की वो जो अपना कैनाल है यहाँ पे पूरा फुल हो चुका है, एंड उसका जो वो पानी रोकने के लिए रहता है वो भी टूट गया है। एंड अगर अभी फिलहाल तो फुल है और अगर बारिश आएगा तो फिर से ज़्यादा फुल हो जाएगा, उसके बाद 4 साइड से खुल जाएगा पूरा गाइस। सो बाढ़ आ सकता है। तो गाइस आप लोग बस यही शेयर करना चाहता था, एंड मतलब पानी हो चुका है। आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाने वाला हूँ उसके लिए भी, चलो देखते हैं। अभी तक मैं बोला ना आप लोगों को कि ये जो रिवर यहाँ पे कैनाल दिख रहा है उसका जो पानी रोकने वाला होता है वो टूट गया है, 3 जगह से टूटा है गाइस। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे फर्स्ट एक वहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे एक, सो 3 जगह से पानी गिर रही है गाइस। एंड बहुत जब तक वो कैनाल खाली नहीं होगा जब तक पानी गिरते ही रहेगा, एंड ये पूरा पानी ऐसे घूम के हमारे जो बिल्डिंग है उसके पीछे जा रही है गाइस। मतलब डर लग रहा है कि कब बिल्डिंग का 4 साइड से कवर हो चुका है गाइस, वाटर 4 साइड से कवर हो चुका है। एंड अभी पता नहीं क्या हो आगे क्या होगा क्योंकि ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है गाइस। तो चलिए आगे आपको वाटर के नज़दीक लेके जाके दिखाता हूँ कि कितना वाटर है। अब क्योंकि आप कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है इसलिए मैं आप लोग को वहाँ से भी दिखाऊँगा, नज़दीक जाके भी दिखाऊँगा। तो गाइस चलिए चलते हैं। So guys, देखो यहाँ पे इतना वाटर, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड गाइस जैसे मैं इससे पहले वाला वीडियो नानाजीपुर का बनाया था ना, नाना वाटरफॉल इन नानाजीपुर, वैसे यहाँ पे भी धीरे धीरे क्या बोलते हैं क्राउड हो रहा है, मतलब कि पब्लिक्स लोग देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। Risks in this moment, take my hand and break my heart. I'll never walk this road again. Actually, कैनाल उधर है। एक्चुअली कैनाल उधर है, आप लोग यहाँ से नहीं दिखेगा। एंड अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हो गया है, ऐसे लग रहा है। ऐसा इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया गाइस, सोचे भी नहीं थे। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतना हो रहा है, देखो पानी मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसे हो रहा है। अब आगे पता नहीं कितने कितने गड्ढे हैं, क्या पता कहीं अंदर से ना, इसलिए अभी और दूसरे एंगल से दिखाता हूँ आप लोगों को, देखते रहना। Guys, ऐसा लगा मन कर रहा है कि हम कहाँ रहे हैं, मगर एक्चुअली नहीं ला सकते।
पब्लिक है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड है, एक्चुअली ये रोड है। एंड जो वहाँ बोला था कि वहाँ केनाल का जो टूट गया है पानी रोकने वाला, वहाँ से पूरा पानी आके ये रोड पे लग गया है। पूरा मतलब पानी पानी हो गया, इधर देख सकते हैं आप लोग, खाली पानी पानी हो गया है। एंड यहाँ पे तो खेत भी था जो राइस कल्टीवेशन करते ना, यहाँ पे राइस भी था मगर वो भी पूरा डूब गया है। मतलब कल्टीवेशन वाले को भी बहुत नुकसान हो गया है गाइस। एंड आप लोग देख सकते हैं, देखो गाड़ी उतर के आना पड़ रहा है, गाड़ी मतलब यहाँ तक पानी हो चुका है। अभी अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, एंड आप लोग देखते रहिएगा एंड अब तक वीडियो जरूर जाके लगेगी बस। तो गाइस आप लोगों को मैं जो जो दिखाना चाहता था सब दिखा दिया हूँ वीडियो में, और जो जो नहीं दिखाया उसके लिए सॉरी। एंड एक्चुअली मैं किनाल के पास नहीं गया क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ वाटर आ रही है गाइस, क्या पता कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं गया गाइस। एंड दिस इज बैकग्राउंड में मेरा बिल्डिंग दिख रहा है।